हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो मित्रों चैप्टर है ना, ये चैप्टर जनरली है एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाला टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि प्रकाश का परावर्तन आज मैं आपको जिस लेवल पे करा रहा हूँ वो लेवल है आरपीएससी और यूपीएससी का, ठीक है ना। मतलब जो आरपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो लाइट आता है उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के अंदर हम लोग जनरल साइंस को डिस्कस करेंगे, जो उन बच्चों को हेल्प करेगा जो आरपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स में अभी अपीयर होने वाले हैं, ओके ना। तो मित्रों, ये चैप्टर कहता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है, और इसके कौन से लॉज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और एक ये डिस्कस करेंगे कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो लाइट को अपन बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर जो पूछे जाने वाले पॉइंट है, जो पूछे गए हैं अभी तक पॉइंट है, हम उन पे विशेष ध्यान देंगे, ओके। तो आप बिल्कुल आप इस क्लास के अंदर बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और मैं आपको एक चीज और करूंगा कि आप जब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे फ्यूचर में आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी आरपीएससी यूपीएससी या 10th और 12th के जनरल साइंस और बायो के जो चैप्टर्स हैं वो आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप क्या करें कि इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना। तो ये मैं आपसे कम से कम चाहूँगा कि इतना काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा मित्रों जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रकाश जो लाइट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लाइट है क्या, चलती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि प्रकाश जो होती है वो सरल रेखाओं में चलती है, मतलब ये एक सीधी लाइन में चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मतलब एक सीधी लाइन में चलती है, ओके। तो पहला पॉइंट आपको ये देना है कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में चलती है, ओके। दूसरा हम इसमें ये देखते हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि प्रकाश के अंदर ऊर्जा निहित होती है, ठीक है ना। इनमें क्या होती है, ऊर्जा होती है, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का रूप है, इट इज द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, ओके। दूसरे अगला पॉइंट हम ये देखेंगे कि वही ऊर्जा जो होती है, जो इसके अंदर विद्यमान होती है, वो वस्तुओं को जिससे वह आता है देखने की क्षमता प्रदान करती है। मतलब ये ऊर्जा जब किसी वस्तु से टकरा के आएगी तभी तो आप उस वस्तु को देख पाओगे, और उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो तो वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण देख पा रहे हो, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होती प्रकाश, तो वो उसमें आर पार निकल जाती है। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे तेल लगे हुए कागज या घिसे हुए कांच जो होते हैं, इनके अंदर से प्रकाश पास हो जाता है, आर पार चला जाता है, ठीक है, जाता या नहीं जाता, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि पारभासी पदार्थ बोलेंगे। अब क्वेश्चन बनता है, पारदर्शी और पारभासी में क्या फर्क है, पारदर्शी और पारभासी में क्या फर्क है मित्रों। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई कांच होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, वो पारदर्शी होता है। और पारभासी कौन सा होता है, जिसमें प्रकाश तो आता है परंतु उसके पीछे कौन खड़ा है वो आपको नहीं दिखता। जैसा कि ये आपको मैंने बताया था कि तेल लगा हुआ कागज, उसमें से प्रकाश तो आता है
परंतु उसके पीछे कौन खड़ा है ये नहीं पता चलता। या घिसा हुआ कांच, जो ग्राउंड ग्लास होती है ना, जो विंडोज में लगती है, प्रकाश आता है पर बाहर कौन खड़ा है ये नहीं देख पाते, तो वो सारे पारभासी की श्रेणी में या ट्रांसलूसेंट की श्रेणी में आते हैं। ओके, तो ये दो प्रकार की इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर आर पार नहीं देख पाते हैं तो वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, इज ए ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की ड्यूअल नेचर होती है, इसकी दोहरी प्रकृति होती है, मतलब ये कि प्रकाश जो है वो कुछ घटनाओं में तो वो तरंग की तरह कार्य करता है, वेव्स की तरह कार्य करता है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी वेव्स वाली होती है, पर कुछ घटनाओं में प्रकाश जो होता है वो कण की तरह चलता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में चलता है, तो इसकी वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होती है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये दोनों नेचर इसमें पाई जाती है, इसलिए हम प्रकाश को ड्यूअल नेचर कहते हैं, इसकी दोहरी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो जब चलता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वो वेव्स में जाता है। ठीक है, परंतु वही प्रकाश क्या करता है, अपने साथ में एनर्जी को भी लेके जाता है, तो उसके उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, और वह उसकी कणीय प्रकृति हो जाती है। क्या हो जाती है, कणीय प्रकृति हो जाती है। तो इसका वेव्स में चलना तरंग प्रकृति हो गई, और ऊर्जा को फोटोन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसकी कणीय प्रकृति हो गई। समझ गए, तो इसकी दोहरी प्रकृति होती है मित्रों। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, प्रकाश सरल रेखा में चलेगा। ठीक है, प्रकाश के कारण पदार्थ पारदर्शी पारभासी होते हैं। ठीक है, इसकी दोहरी प्रकृति होती है, ये तरंग प्रकृति का भी होता है और ये कणीय प्रकृति का भी होता है, दोनों प्रकृतियों का ये होता है। ओके, क्लियर है? अगला पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रकाश की चाल। चाल का मतलब वो नहीं है जो चालाकियां करते हैं मित्रों, चाल का मतलब यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि प्रकाश की जो स्पीड होती है, ठीक है ना, वो निर्वात के अंदर, ठीक है ना, निर्वात के अंदर प्रकाश की जो स्पीड होती है मित्रों वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और तकरीबन हम लोग वायु में भी इतनी ही मानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम होती है, 2.99×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो तकरीबन लमसम उसको बराबर ही मानते हैं, पर सबसे ज्यादा निर्वात में होगी, ठीक है, उसके बाद में वो वायु में होगी। ठीक है, और ये कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें मित्रों, तो 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 300,000 किलोमीटर एक सेकेंड में, मतलब ये एक सेकेंड हुआ 300,000 किलोमीटर ये चल गए, समझ गए ना, तो ये इसकी स्पीड होती है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिसके अंदर आप देखो कि प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो अगर आप सेकंड में लिखेंगे तो 499 सेकंड, मतलब 499 सेकंड लगते हैं सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को, या मिनट में लिखें तो 8 मिनट और 19 सेकंड लगेंगे। कितना लगेंगे, ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो मित्रों इसे आप याद करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में कि इसी प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा से जो प्रकाश आता है, रात को चंद्रमा चमकता है, सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन देता है वो हमको, तो उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को तो 499 सेकंड लगते हैं, पर चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, तो ये लगेगा कितना, 1.28 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है ना, तो ये इतना कम समय लगता है क्योंकि वो बहुत पास में है हमारे। तो ये आपकी प्रकाश की चाल हो गई, इससे रिलेटेड ये तीन क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बनते हैं।
एक तो स्पीड क्या है, ठीक है, ये वाला, और एक सूर्य से आने में कितना समय लगता है, ये वाला, और एक चंद्रमा से आने में कितना समय लगता है, ये वाला। ओके, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए मित्रों, अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का शीर्षक यहाँ से शुरू होता है मित्रों, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होएगा? परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, मतलब कहीं से टकरा कर वापस आना प्रकाश का, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मित्रों मैं आपको बताता हूं, जैसे आप यहां देखो कि इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और दूसरे माध्यम की परिसीमा से टकरा कर वापस उसी माध्यम में आ जाए। जैसे ये देखो, आप यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ओके, ये यहाँ आकर टकराएगी इस सतह पर, टकराया, टकराने के बाद में ये प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, ठीक है, तो ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण जो आती है, परावर्तित किरण जो टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, ठीक है, तो ये दो किरणें हो गई। और तीसरा, ये आप देखो 90 डिग्री पर ये अभिलंब बना हुआ है, ये जो 90 डिग्री पर ये है, ये है अभिलंब, इसे हम नॉर्मल भी कहते हैं मित्रों। तो कहने का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, एक परिसीमा पर टकराती है और वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, मतलब दोनों का माध्यम सेम रहेगा, मतलब वायु से आई और वायु में चली गई। अगर वायु से आके ये इस परिसीमा को पार करके आगे चली जाती तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन हो जाता, अपवर्तन हो जाता, समझ गए? तो परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस बाउंस बैक हो जाए, समझ गए? तो परिभाषा क्या है इसकी, ये देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, किसी माध्यम से मतलब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर एक परिसीमा, मतलब दो माध्यमों के मध्य की जो रेखा होती है उसे हम मित्रों परिसीमा कहते हैं, ठीक है, पर आपतित होकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, ठीक है, वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया मित्रों, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर किसी परिसीमा पर टकरा कर वापस उसी माध्यम में बाउंस बैक हो जाए, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है मित्रों, जिसमें पहला नियम जो है वो ये है। पहला नियम है एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई क्या? ये देखो, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इनके मध्य ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम आपतन कोण या इंसिडेशन एंगल कहेंगे, इसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे। ओके, अब ये अभिलंब और परावर्तन के बीच में यहाँ जो एंगल बन रहा है मित्रों, ये वाला, इसको हम एंगल आर मतलब रिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन एंगल। तो लॉ क्या कहता है कि जब कहीं पर परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, तो वहां पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, समझ गए? आई और आर बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री का है मित्रों, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, समझ गए? तो क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपको ये नियम पता होना चाहिए कि अगर 30 पर हो रहा है तो परावर्तन भी 30 ही होगा, समझ गए? 45 पे आपतित हो रही है तो परावर्तन भी 45 ही होगा, समझ गए? तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है,
जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी किसी प्रकाश का परावर्तन होता है, याद रखना ये क्वेश्चन बनता है, जब भी किसी प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग स्पीड ऑफ लाइट, तरंग दैर्ध्य मतलब वेव लेंथ और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। मतलब जब प्रकाश यहाँ आकर टकराकर वापस उसी माध्यम में जाएगा तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी वेवलेंथ में कोई परिवर्तन मतलब तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु मित्रों इसमें एक चीज और होगी, वो होगी कि इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी, समझ गए? बाकी सब अपरिवर्तित रहेंगे, केवल तीव्रता घटती है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि परावर्तन के पश्चात क्या कम हो जाता है, वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति या तीव्रता? तो आपको बताना है कि तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है मित्रों? तीव्रता कम हो जाती है। क्लियर है? इसको मैं राइट लगा दूं, डन। चलिए द नेक्स्ट इज, अगला पॉइंट जो आता है वो आता है समतल दर्पण से। जो प्लेन मिरर होता है मित्रों, वो जो समतल दर्पण है उससे परावर्तन कैसा होगा? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे आप घर में अपना फेस देखते हो, कांच के अंदर मुंह देखते हो, देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हो। अब जैसे हम कांच के सामने खड़े हो गए, अब कांच के सामने खड़े होंगे तो क्या हमारा सर नीचे और पांव ऊपर हो जाएंगे? नहीं ना, नहीं होंगे ना, बिल्कुल। दूसरा, आप जब कांच के सामने खड़े होते हो तो आपका आकार छोटा बड़ा हो जाता है क्या? नहीं, सेम रहता है। जब आप कांच से जितनी दूरी पे खड़े होते हो आपका प्रतिबिंब भी उसके अंदर इतना दूरी पे बनता है ना, है ना? बस उसमें एक चीज होती है, पार्श्व परावर्तन, लेटरल इन्वर्जन होता है। मतलब आपका राइट हैंड उसमें लेफ्ट दिखता है और आपका लेफ्ट हैंड उसमें राइट दिखता है। दिखता है या नहीं दिखता मित्र? दिखता है ना। तो बस यही एक परिवर्तन होता है, बाकी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। और दूसरा एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई प्रतिबिंब आपको सीधा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, याद कर लेना इस पॉइंट को कि यदि आपको कोई प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे रहा है तो वो आभासी है, ठीक है ना, रियल नहीं है, वो आभासी है। तो आप देखें कि जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, एक तो वो आभासी होगा मित्रों, क्योंकि वो सीधा है, ठीक है। पार्श्व उल्टा मतलब लेटरल इन्वर्जन बनाएगा, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखेगा, ठीक है, आकार में वस्तु के बराबर होगा। अगर आप 6 फीट के हो तो दर्पण में भी आप 6 फीट के दिखोगे, समतल दर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं उत्तल अवतल दर्पण लेके बैठ गए और बोलोगे कि सर हम तो छोटे बड़े हो गए, वैसा नहीं, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दर्पण से आपका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आप खड़े हो, ठीक है ना। तो ये समतल दर्पण के कुछ नियम होते हैं, इसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट वन इज, अगला जो महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग बात करेंगे वो इन जानकारियों के बारे में करेंगे। देखो कुछ जानकारियां वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उनको इग्नोर कर देते हैं, पर एग्जामिनर जो होता है वो उसको इग्नोर नहीं करता, वो तो उसी पे वर्क करता है। उनको पता है कि स्टूडेंट जिस चीज को इग्नोर कर रहा है, मेरे को तो वहीं पर काम करना है भैया। अब वो चीजें क्या होती हैं जिसको मैं आपके लिए यहाँ एक अलग से लेके आया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। इन जानकारियों को आप याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं किया है तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इस पे सीधा क्वेश्चन आता है और सीधा उत्तर आपको देना होगा। देखो पहला पॉइंट इसमें आता है कि जब कोई वस्तु यू चाल से समतल दर्पण की ओर गति करती है, जैसे कोई समतल दर्पण है
उसकी तरफ कोई वस्तु यू वेग से गति कर रही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि उसका जो प्रतिबिंब है वो भी यू चाल से गति करेगा, ठीक है। मतलब ये दर्पण है, ये इसकी तरफ गति कर रहा है यू चाल से, तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है वो भी गति करेगा यू चाल से। कौन से चाल से? तो दोनों चालों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? टू यू। तो क्या होगा कि जब वस्तु किसी समतल दर्पण की तरफ यू वेग से गति करती है तो उसका प्रतिबिंब भी यू वेग से गति करेगा, ठीक है। इसलिए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आपेक्षिक चाल टू यू हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? टू यू हो जाएगी। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। ये देखिए, ये वाली चीज आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये ओ मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु है ये, ठीक है ना। ये वस्तु है और ये इस तरफ यू वेग से गति कर रही है, ये दर्पण है, ओके ना। तो इसका जो इमेज है ये प्रतिबिंब है इसका, इमेज का मतलब, आई का मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी इसकी तरफ यू से गति करेगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा? टू यू होगा ना, यही वो पिछली स्लाइड में आया था। अब अगला पॉइंट ये आता है कि जब समतल दर्पण यू चाल से स्थिर वस्तु की तरफ गति करता है, यहां पे देखो, यहां पे दर्पण स्थिर है और गति कौन कर रही है? वस्तु। यहां उल्टा कर दिया, दर्पण को गतिमान कर दिया और वस्तु को स्थिर रख दिया। बात तो वो को रहेगी ना, ये दो चीजें हैं, ये पास लाओ दूर ले जाओ या ये पास लाओ दूर ले जाओ, बात तो एक ही एक रहेगी, सेम का सेम रहेगा। तो चाहे दर्पण गतिमान हो या स्थिर हो, वस्तु गतिमान हो या स्थिर हो, प्रतिबिंब की चाल टू यू ही होगी, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बने हुए यूपीएससी के अंदर बने हुए, तो आप प्लीज इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट चले, चलिए अगली स्लाइड है। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना कि देखो, एच ऊंचाई के एक व्यक्ति को, अगर जैसे मैं हूं, मेरा 6 फीट हाइट है, अगर मैं अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता हूं किसी दर्पण के अंदर, ठीक है ना, मतलब पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो लंबाई है वो मेरे को कितनी चाहिएगी। अगर मैं 6 फीट का हूं तो दर्पण की लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए, 6/2, 3 फीट, मतलब जो भी हाइट होगी उसका आधा कर दो। 6 फीट का आदमी है तो 3 फीट का मिरर चाहिए पूरा देखने के लिए, ठीक है। 8 फीट का है तो 4 फीट, 4 फीट का है तो 2 फीट, ओके। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है, एच बाई टू मतलब व्यक्ति की ऊंचाई का आधा मिरर होगा तो उसकी पूरी लंबाई हम उसमें देख पाएंगे, ओके। एक तो ये सवाल बनता है। अब दूसरा सवाल क्या बनता है मित्र? दूसरा सवाल यहाँ पे ये बनता है, ये देखो आप, दूसरा सवाल ये बनता है कि यदि कोई व्यक्ति कमरे के बीचों बीच में खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और इसको अपने पीछे की दीवार की पूरी हाइट देखनी है, मतलब ये जो दीवार है ना कमरे के अंदर, पीछे की जो दीवार है इसकी पूरी हाइट देखनी है, खुद कमरे के बीच में खड़ा है, तो उसको मिरर किस हाइट का चाहिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इनको डायग्रामेटिकली आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें क्या होगा ये देखिएगा कि देखो, एक व्यक्ति कमरे में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब देखना चाहता है, ठीक है ना। तो दर्पण का जो न्यूनतम आकार होगा वो दीवार का 1/3 होना चाहिए, 1/3। अगर जैसे ये दीवार है हमारे पीछे, ठीक है, ये 10 फीट की है, ठीक है,
यहां पर इसका 10/3 मतलब 3.33 फिट का मिरर होना चाहिए, समझे? तो 1/3 होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, एक तिहाई याद रखना है, क्लियर है? पीछे की दीवार हो, इसके लिए कंडीशन है वो ये है कि व्यक्ति कमरे के बीच में खड़ा होना चाहिए, ठीक है? मिडल, सेंटर ऑफ रूम, रूम के बीच में खड़ा होना चाहिए, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो इसे आप याद रखिएगा, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये वाली स्लाइड भी अपनी हो गई, डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये देखिएगा अगली स्लाइड आ रही है मित्रों, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि गोलीय दर्पण। अभी तो हमने समतल दर्पण की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की, स्पेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर। आपको पता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, ठीक है? अब ये उत्तल और अवतल दर्पण बनते कैसे हैं, ठीक है? तो हम इस चीज को देख रहे हैं मित्रों। ये देखो आप, ये देखो ये एक ऐसी कर्व्ड सतह है, ओके? ये देखो मुड़ी हुई सतह दिख रही है, ये मैं लाइन बना रहा हूं, ठीक है? इसके बाहर की तरफ अगर मैं यहां पॉलिश कर दूं, ठीक है, तो इसकी अंदर की जो सतह होगी, ये वाली अंदर वाली जो सतह होगी मित्रों, ये दर्पण की तरह कार्य करने लग जाएगी, ऐसे ये वाली। और ये सतह अगर दर्पण है तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। वहीं पर अगर मैं ऐसे एक कर्व मिरर के आंतरिक सतह के अंदर मैं अगर यहाँ पॉलिश कर दूं, ठीक है, तो इसकी बाह्य सतह दर्पण की तरह कार्य करने लग जाएगी और ये उत्तल मिरर हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें जो पॉलिश करते हैं ना मित्रों, ये पॉलिश या तो हम निकल की करते हैं या हम सिल्वर की करते हैं, चांदी की या निकल की पॉलिश करते हैं, जिसके कारण यह दर्पण बन जाता है, ठीक है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, डन। इसके बाद जो पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है ये वाला। ये देखो, ये दिखने में थोड़ा सा डराने वाला चित्र है ना, डराने वाला चित्र, पर डरना नहीं है। इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं, इसमें है क्या, ये देखो, ये गोलीय दर्पण के लॉज है। अब आप पहले ये देखो कि ये दर्पण कौन सा है, उत्तल या अवतल। अंदर से ऐसे है तो ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है? इसका नियम कहता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ये देखो आ रही है, ठीक है, आ रही है, ये क्या करेगी, किरण यहाँ पे टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद ये मुख्य फोकस को काटते हुए चली जाएगी। पहला नियम, जो प्रकाश की किरण इसके समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, वो टकराने के बाद मुख्य फोकस को काटते हुए चली जाएगी। क्लियर? मतलब मैं इसको थोड़ा सा हाइलाइटेड कर देता हूँ, है ना? तो दैट इज द बेटर वे। जैसे ये देखो, ये जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पे टकराने के बाद में, ये देखो आप, यहाँ से टकराने के बाद में ये मुख्य फोकस को काटते हुए जा रही है, ठीक है? ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये होता है मित्रों कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस को काटते हुए आती है, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में ये बना देता हूँ, एरो इसका अपन ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना?
ये एरो, ओके। दो नियम हो गए। तीसरा नियम कहता है कि जो प्रकाश की किरण सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से आती है, वो टकराने के बाद वापस उसी पथ के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस उसमें ही चली जाती है, बैक बाउंस हो जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता, समझ गए। तो ये तीन नियम यहाँ पे लगते हैं। वैसे वैसे तीन नियम यहाँ लगेंगे, एक तो ये जो वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली किरण है वो वापस उसी में चली जाएगी, दूसरा नियम कि जो प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है वो क्या करेगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, परंतु वो मुख्य फोकस को काटते हुए प्रतीत होगी, पीछे जा रही है ना, मतलब ये ऐसा प्रतीत होगी कि ये मुख्य फोकस को काटते हुए जा रही है, पर जाएगी नहीं, जाएगी तो बाहर, पर ये प्रतीत ऐसा होगी कि यहां से निकल रही है, तभी तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा जो प्रकाश की किरण बाहर से आ रही है, देखो मित्रों ये बाहर से आ रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, परंतु ये हमें मुख्य फोकस को काटते हुए प्रतीत होगी, क्या होगी, प्रतीत होगी। तो ये नियम है इसके। ग्रीन वाला नियम तो दोनों का एक जैसा ही है, येलो वाला उल्टा हो गया और ब्लू वाला भी उल्टा हो गया, बस इसमें प्रतीत होती है, इसके अंदर तो प्रतीत होती है और इसमें रियल होती है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होंगे, इससे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होंगे, ओके। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो है मित्रों, ये वाला क्वेश्चन बार बार बनता है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनते हैं वो ज्यादा डिटेल में नहीं देते, वो हर एक बच्चे के हिसाब से देते हैं। तो पहला यह है कि अवतल दर्पण जो होते हैं, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो जनरली आपको पता है कि जितने भी अवतल दर्पण होंगे वो प्रकाश किरणों को अभिसारित करते हैं, मतलब कन्वर्स करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, वहीं पर उत्तल दर्पण क्या करेंगे कि जितनी भी प्रकाश की किरणें होंगी उनको अपसारित करेंगे, वो उनको फैला देंगे, तो ये एक जगह एकत्रित करेंगे अवतल वाले, उत्तल वाले फैला देंगे, यही काम है। अब ये अवतल वाले दर्पण काम में कहाँ आते हैं मित्रों, एक तो ये काम में आते हैं दाढ़ी बनाने वाला जो कांच होता है, आपने देखा होगा काफी लोग दाढ़ी बनाते हैं कांच में, वहां पर अवतल दर्पण होता है, ठीक है। सर्च लाइट, जो सर्च लाइट होती है रात में देखने में जो काम आती है, उसमें ये काम आते हैं। दूसरा, सिनेमा में जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं कि यही काम करते हैं। इसके अलावा टेलीस्कोप में, और जो ईएनटी विशेषज्ञ होते हैं, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो हम देखा होगा उसके ऊपर एक गोल गोल लगा हुआ होता है यहाँ पे, जिसे वो आपके मुंह के अंदर तक जाग पाता है, तो उसके अंदर जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण कहाँ लगे होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं सड़क के किनारे लगे लैंपों में, जो स्ट्रीट लैंप होते हैं ना, उनमें उत्तल दर्पण होते हैं, याद रखिएगा ये चीज। गाड़ियों के साइड मिरर में, आपने देखा होगा गाड़ी के साइड मिरर में हम पीछे वाली पूरी गाड़ी देख लेते हैं, पर गाड़ी होती इतनी बड़ी है पर इतने से में देख लेते हैं, क्योंकि उसमें जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, ओके, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने है, कर लोगे। चलिए कुछ परिभाषाओं की हम बात करते हैं। परिभाषाएं बहुत जरूरी होती हैं, परिभाषाएं जो है इनको हम कैसे देखें। देखो मैं एक ये ले लेता हूं, एक स्पीयर ले लिया मैंने गोला, ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये गोला है, समझ गए। अब इस गोले के अंदर मैं एक सेंटर बना देता हूँ, ये
क्योंकि कभी भी आप कोई वृत्त बनाते हो या गोला बनाते हो तो उसका एक सेंटर जरूर होता है, ठीक है। इस सेंटर को हम बोलते हैं सी, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। दर्पण जिस गोले का भाग माना जाए उस गोले का केंद्र, ठीक है, सी कहलाता है। अब मैं इसमें एक चीज और करता हूं कि एक सीधी लाइन बना देता हूं जो इसके वक्रता केंद्र को काटते हुए जाती है। बड़ी हो गई है ना, इसको अपन हटा देते हैं, अपन थोड़ी पतली लाइन खींचते हैं। ये लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है इसकी वक्रता केंद्र को काटते हुए जा रही है ना मित्रों, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? ये मुख्य अक्ष हो गई। क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। अब अगर हम क्या करें कि इसके अंदर एक इसकी त्रिज्या बनाए ऐसे, ये इसकी त्रिज्या हो गई आर, इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ओके, ध्रुव क्या होता है कि ये देखो जहां से मुख्य अक्ष इसको काटते हुए जाएगी उस पॉइंट को हम पोल या ध्रुव कहेंगे, समझ गए, दर्पण के मध्य का बिंदु। फोकस क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगी और फोकस तल क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य का जो पॉइंट होता है इसको हम फोकस कहते हैं। ओके, और इस ध्रुव से फोकस की जो दूरी होगी उसको हम फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल क्या होगा? फोकस तल मित्रों होगा, ये फोकस से एक लंबवत लाइन खींचती हूँ मैं ऐसे, ये इसका फोकस तल हो गया। तो फोकस से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तल फोकस तल होता है, समझ गए आप। तो ये सारे इनके पॉइंट हो गए। इसके बाद में एक चीज और पूछी जाती है बार बार, वो एफ और आर के मध्य संबंध क्या है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि F और R के मध्य संबंध क्या है। तो अब देखो मित्रों, आपको पता है कि ये वाली जो पूरी दूरी है ये तो इसकी R है, मतलब ये यहां से लेकर मध्य तक R होगा, त्रिज्या होगी, और त्रिज्या का आधा जो होगा मित्रों वो फोकस होगा, क्योंकि वो ध्रुव और त्रिज्या के मध्य की दूरी होती है, समझ गए ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इनका संबंध क्या होगा कि फोकस जो है वो त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो जस्ट बीच में मैंने यहाँ पे फोकस बना ही दिया था ये वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद में मित्रों एक और पॉइंट आता है जिसको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस चीज को, ये वाला जो चीज है, इसको हम दर्पण मान लें, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, ठीक है। इस दर्पण के जो पॉइंट है, इसके मध्य वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको हमने पोल मान लिया, पी मान लिया। ओके, अब जब हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु को रखते हैं तो वो हमेशा दर्पण के लेफ्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। तो वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? लेफ्ट में रखी जाती है, समझ गए। और जो लेफ्ट में होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब इसके अंदर जो इसका राइट है, ये वाला
राइट में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, चाहे वो प्रतिबिंब अगर राइट में बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, प्रतिबिंब अगर लेफ्ट में बनेगा तो नेगेटिव बनेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिबिंब सीधा है तो प्लस होगा, प्रतिबिंब उल्टा है तो माइनस होगा। ये चिन्ह परिपाटी है, इसको हमें विशेष ध्यान देना है। इसमें आता है कि सभी जो दूरियां हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं, मतलब पोल से नापी जाएंगी, P है ना, ये यहाँ से नापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक जबकि विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा हम लोगों को ठीक करना है, आपतित किरण की दिशा में जो आपतित किरण है उसकी दिशा में नापी गई जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी। जैसे आपतित किरण की दिशा ये है, इधर जाओगे तो धनात्मक और विपरीत दिशा में जाओगे इधर लेफ्ट में तो ऋणात्मक होगी, समझ गए। मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां है, ऊपर की तरफ जो दूरियां है वो धनात्मक होगी और नीचे की ओर जो होगी वो ऋणात्मक होगी, ओके ना, क्लियर। इसी को हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, वो ये है कि गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप इसके अंदर देखेंगे, ये वाला देखो, इसके अंदर यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण के अंदर ये एक मोमबत्ती है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे उल्टा बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है मित्रों, तो वो अवश्य ही अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। और दूसरा, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। आप ये देखो, कार है, कार का ये जो पीछे की तरफ देखने वाला मिरर है, इसमें ये पीछे आपको एक एरोप्लेन दिख रही है, ये सीधी दिख रही है या उल्टी दिख रही है? सीधी दिख रही है ना, तो अगर ये सीधा दिख रही है अगर आपको, तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है और ये उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, समझ गए, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो दर्पण होते हैं उनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमको डिस्कस भी करना होता है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे और थोड़ा फास्ट भी करेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। देखो, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? जनरल कैरेक्टर है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो भी प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक भी होता है। मतलब छह प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण से मित्रों, पहले पांच जो होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे तो उल्टे होंगे, कैसे होंगे? उल्टे होंगे। और छह में से पांच वास्तविक होंगे और एक आभासी होगा, और आभासी होगा तो वो सीधा होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा कि वास्तविक और आभासी होंगे, इसलिए क्या होंगे कि वो उल्टे और सीधे होंगे। अगर वास्तविक हैं तो उल्टे हैं और आभासी हैं तो वो सीधे हैं, ठीक है। छोटे बड़े हो सकते हैं और आकार में समान भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखी हुई है। तो हम सबसे पहले पॉइंट में आ रहे हैं और वो पॉइंट है कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, बहुत दूर रखते हैं, और जब वस्तु को बहुत दूर रख दिया मित्रों, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें होंगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी। और मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस को काटते हुए जाएगी। तो दोनों किरणें कहाँ से काटेंगी? मुख्य फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा, ओके।
वास्तविक बनेगा इसलिए वो उल्टा भी होगा, ठीक है। आकार में बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा आकार में, मैग्नीफाइंग पावर इज -1, बहुत कम होगा। अब ये माइनस वर्ड क्यों आया है? माइनस इसलिए आया है मित्रों कि ये उल्टा है, उल्टा होता है तो साइन कन्वेंशन में माइनस आ जाता है और सीधा होता है तो प्लस आता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो वो सीधा है, माइनस है तो उल्टा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है अगला पॉइंट, वो ये है कि जो वस्तु है, ठीक है ना, उसको हम अनंत से थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। यहाँ पे लेके आ गए वस्तु को, ये देखो वस्तु को अनंत से यहाँ पे लेके आ गए, तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा मित्रों कि पहला नियम तो वही है कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं वो मुख्य फोकस को काटते हुए चली जाएंगी, ठीक है। दूसरा नियम लगेगा, जो प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस को काटते हुए जाएंगी वो समानांतर हो जाएंगी, तो दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी कहाँ पर? एफ और सी के मध्य। कहाँ मिलेंगी? एफ और सी के मध्य, और जहां दोनों किरणें मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, एफ और सी के मध्य वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब मित्रों हमेशा उल्टा होगा इसलिए यहाँ माइनस साइन आएगा, और आकार में छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट है कि हम वस्तु को लेके आ जाते हैं कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर, सी पर लेके आ जाते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सी पर लेके आ गई है, यहाँ पर वस्तु यहाँ पर है, तो नियम क्या कहेंगे? नियम तो वही कहेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो एफ को काटते हुए जाएगी, दूसरा जो एफ को काटते हुए आ रही है वो समानांतर हो जाएगी, तो दोनों किरणें मिलेंगी कहाँ पर? सी पर ही मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? सी पर मिलेंगी, सी पर मिलेंगी, और ये प्रतिबिंब भी उल्टा होएगा, सी पर मिलेंगी, प्रतिबिंब भी उल्टा होगा, और उल्टा प्रतिबिंब मित्रों हमेशा वास्तविक होता है, आकार में समान होगा, मैग्निफिकेशन बराबर होगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखो 1 आ गया ना, कहाँ चला गया? हाँ, मैग्निफिकेशन 1 आ गया, ठीक है। माइनस इसलिए है कि ये उल्टा है, समझ गए। इसके बाद में चौथा पॉइंट इसमें आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये देखिएगा, इसके अंदर देखो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, सी और एफ के मध्य यहाँ पर वस्तु है, ये देखो ये वस्तु यहाँ पर है, तो नियम क्या लगेंगे मित्रों? नियम कायदे तो वही होते हैं कि जो समानांतर किरण आती है वो मुख्य फोकस को काटते हुए चली जाती है, ओके। दूसरा जो मुख्य फोकस को काटते हुए आती है वो समानांतर हो जाती है, तो दोनों प्रकाश की किरणें सी और अनंत के मध्य मिलेंगी, ठीक है। सी मतलब 2f और अनंत के मध्य मिलेंगी, सी और 2f एक ही होता है मित्रों, वास्तविक होगी इसलिए प्रतिबिंब उल्टा होगा, आकार में बड़ा होगा इसलिए ये मैग्निफिकेशन का एरो चेंज हो गया, बड़ा होगा आकार में, उल्टा है इसलिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसके नियम हो गए। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर वस्तु कहाँ पर है? एफ पर रख दी हमने वस्तु को, वस्तु को मुख्य फोकस पे रख दिया, जैसे हमने वस्तु को यहाँ रख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ? नियम कायदे तो वही है कि जो समानांतर आ रही है वो मुख्य फोकस को काटते हुए जाएगी। दूसरा यह नियम वो लगेगा, तीसरा वाला नियम, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से गुजरेगी प्रकाश की किरण उसमें कोई विचलन नहीं होगा, इसलिए दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी। और आपको पता है मित्रों कि जो प्रकाश की किरणें समानांतर है वो कहीं नहीं मिलती, न तो दर्पण के पीछे मिलती हैं और न ही दर्पण के आगे मिलती हैं, तो उस केस में हम मानते हैं मिलती नहीं है, मानते हैं कि ये प्रकाश की किरण दर्पण के सामने मिल रही है, अनंत पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है? अनंत पर मिल रही है, वास्तविक है, उल्टी है और आकार में बहुत बड़ी है, ठीक है ना। द मैग्निफिकेशन इज वेरी ग्रेटर,
और माइनस का निशान है वो उल्टी है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो ये है, ये पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर जनरली ये बताया गया है कि जब वस्तु को हमने एफ से और ध्रुव के मध्य रख दिया, ये देखो ये एफ है और ये ध्रुव, ये यहाँ पर हमने रख दिया ध्रुव और एफ के मध्य यहाँ पे, तो क्या होगा? तो नियम कायदे तो वही रहेंगे, क्यों? नियम कायदे बदलते ही दिक्कत होने लग जाती है। पहला नियम क्या था कि जो समानांतर आती हैं वो एफ को काट के चली जाती हैं। दूसरा वही वक्रता केंद्र वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो वी शेप में जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो वो मीट करेंगी ना, तो हम इन किरणों को यहाँ आगे बढ़ा देते हैं पीछे की तरफ दर्पण के, तो एक पॉइंट पर ये दोनों किरणें मिल जाती हैं। तो हम मानते हैं कि ये प्रतिबिंब यहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, आकार में बड़ा है और सीधा है, इसलिए आभासी है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना, आभासी है, सीधा है और आकार में बड़ा है, मैग्निफिकेशन ज्यादा है, और प्लस का निशान जो है ये बता रहा है कि ये सीधा है, कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस होते हैं ना चिन्ह परिपाटी में, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगला पॉइंट, उत्तल दर्पण। मित्रों उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेंगे ना मित्रों, वो हमेशा आभासी बनेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र C और F दर्पण के पीछे ही होता है, सामने नहीं होते। इसलिए क्या होगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो सदैव आभासी सीधा होगा और आकार में छोटा होगा वस्तु से। जैसे अगर वस्तु अनंत पर है कोई वस्तु, तो क्या होगा? पहला नियम, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं समानांतर, ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात बाहर की तरफ परावर्तित हो जाएंगी, परंतु अगर इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये एफ को काटते हुए प्रतीत होगी। क्या होगी? एफ को काटते हुए प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ पर, और ये एफ पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, इसलिए आभासी होगा, ठीक है, सीधा होगा। तो प्रतिबिंब जो है वो कहां पे बना है? एफ पर बना है, आभासी है, सीधा है और आकार में छोटा है, डिमिनिश्ड है, पॉइंटेड है, ठीक है, और इसका आवर्धन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। प्लस का निशान जो है ये बता रहा है कि ये सीधा प्रतिबिंब है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर, ये वाला। इसके अंदर आप देखो कि अब वस्तु को हमने कहीं पर भी रख दिया, क्योंकि देखो ये दर्पण का पोल है, ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब इसके आगे तो अनंत और पोल दो ही तो जगह हैं, तो अनंत पे हमने देख लिया, अब हमने अनंत और पोल के मध्य रख दिया, ठीक है, यहाँ पर वस्तु को रख दिया। तो नियम क्या कहेगा, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी और मुख्य फोकस को काटते हुए प्रतीत होगी, ठीक है। दूसरा नियम है कि जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरते हुए प्रतीत होती है वो सीधी चली जाती है। तो दोनों किरणें मिली कहाँ पर? एफ और पी के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पी और एफ के मध्य, आभासी होगा, इसलिए सीधा होगा, आकार में छोटा होगा, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन भी कम होगा, ठीक है, प्लस का निशान बता रहा है कि सीधा है, ओके। चलिए तो अगला पॉइंट आता है, ये पॉइंट है दर्पण सूत्र एवं आवर्धन। अब मित्रों ये चीज आपको ध्यान देनी है, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चीज बना देता हूँ, जैसे ये बना दिया मैंने, ओके, ये चीज बता रही है दर्पण सूत्र और आवर्धन की बात हम कर रहे हैं। ये इसका पोल है, ये
इधर हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ क्या रखते हैं? वस्तु को। वस्तु को हमेशा हम कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं, और ये इसका राइट है। और ये जो दूरी है वस्तु की और पोल की मित्रों, इसको हम यू कहते हैं। और लेफ्ट हमेशा नेगेटिव होगा और राइट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट जो है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट नेगेटिव है, ओके ना? यहाँ पे तो मेरी फोटो आ जाती होगी ना। चलिए, तो ये चीज है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब यहाँ देखो कि यू जो है लेफ्ट में है इसलिए नेगेटिव है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। अब प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, अगर आई लिख देता हूं, इमेज अगर इधर बनता है तो इमेज की दूरी होगी वी, और वो भी नेगेटिव होगी। और अगर प्रतिबिंब इधर बनता है आई, तो इसकी दूरी भी वी होगी और वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना? बस ऊपर की तरफ है तो ये है एच पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो ये एच नेगेटिव, और क्या हाइट एच को हाइट, क्लियर है ना? और कुछ नहीं है, ये तो इसका हो गया। अब देखो यू जो है ध्रुव से वस्तु की दूरी, मतलब ये वस्तु की दूरी, वी है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, एफ है फोकस दूरी, आपको पता है फोकस जो होता है जो त्रिज्या का आधा होता है वो एफ होता है, आर है त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, ओ वस्तु का आकार साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मतलब ऑब्जेक्ट, आई मतलब इमेज प्रतिबिंब आई, ओके। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट के ऊपर कि इनको हम अप्लाई कहाँ करेंगे। इनको मित्रों हम अप्लाई करते हैं जहां पे हम इनका फॉर्मूला बनाते हैं। ये देखो एक दर्पण सूत्र आता है, मिरर फॉर्मूला, तो हम इसी को देखते हैं सबसे पहले दर्पण फॉर्मूला को। दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। f आपको पता है कि ये फोकस की दूरी है, किसकी दूरी है? फोकस की दूरी है। v जो है वो इमेज की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। u जो है वो वस्तु की दूरी है, समझ गए? और इनके बीच में प्लस आएगा तो ये दर्पण सूत्र, और अगर यह माइनस आ गया तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, समझ गए? तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, इसमें फर्क केवल प्लस माइनस का है, मिरर में प्लस आएगा लेंस में माइनस आएगा और कोई फर्क नहीं है, समझ गए? इसके बाद में हम बात करते हैं अनुप्रस्थ आवर्धन, मतलब मैग्निफिकेशन, मतलब आवर्धन कितना है, मैग्निफिकेशन कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम कभी भी अगर आवर्धन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो वो m होती है। यहां देखो h i है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब का आकार ऊंचाई, h o जो होता है वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई, बराबर माइनस वी अपॉन यू, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी और यू होता है वस्तु की दूरी, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हो गया अनुप्रस्थ आवर्धन का, मैग्निफिकेशन का। और जब आप इन मैग्निफिकेशन के अंदर जब इनकी वैल्यूज लगाते हो, जैसे यू की वैल्यू लगाओगे, वी की वैल्यू लगाओगे, तो उस समय आपको चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वस्तु हमेशा लेफ्ट में होती है और वो माइनस होती है, तो वस्तु की जो भी दूरी होगी उसके आगे माइनस लगाना ही पड़ेगा, तभी इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो हम सही कर पाते हैं, वो एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे आज की क्लास थी जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। मित्रों इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है? और मेरे फोन नंबर नीचे लाइन में चल रहे हैं, आप उस फोन नंबर पे व्हाट्सएप में आप अपना नाम और डाउट लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है? तो ये हमारी आज की क्लास है,
और मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे को पूछिएगा, ठीक है, और मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। बाय, गुड नाइट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, और प्लीज आप इसे जरूर करेंगे। ओके, बाय।